नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो वेब रजिस्ट्रेशन है वो 30 अगस्त तक होने हैं। 30 अगस्त तक आप लोग अपने वेब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और वेब रजिस्ट्रेशन के साथ में आप लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं 30 अगस्त तक। सबसे पहले आपको वेब रजिस्ट्रेशन करना है। वेब रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान होता है। मेरे इसी चैनल पर आपको बहुत सारी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। आपका जो पैटर्न रहता है वो हर साल सेम रहता है वेब रजिस्ट्रेशन को फिल करने का, ठीक है। तो फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में 300 रुपये आपके वेब रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। 300 रुपये जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ का यूज करके आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पर जाकर के एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। सिलेबस का क्या रहता है यहाँ पर, सिलेबस के लिए आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइएगा। वहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का और जितने भी डिप्लोमा है सभी का सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिलेबस आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग जो है सिलेबस को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बाय कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं फीस की, तो फीस यहाँ पर वेरी करती है आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा है या फिर आप लोग प्राइवेट एडमिशन ले रहे हो। अगर आप लोग प्राइवेट एडमिशन लोगे तो लगभग आपका जो फीस का स्ट्रक्चर बैठता है ग्रेजुएशन में, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका 7-8 हज़ार के आसपास बैठता है हर साल का, ठीक है। ये आपका एडमिशन फीस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की, तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी लगभग ऐसे ही बैठता है, ठीक है, अगर आप लोग प्राइवेट से एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप लोगों का एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है तो आपका बहुत ही कम खर्चा होता है, 3-3.5 हज़ार रुपये में आपको जो है एडमिशन मिल जाता है और आप लोग किसी भी सरकारी कॉलेज में जाकर के रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। तो इस तरीके से एडमिशन का यहाँ पर स्ट्रक्चर रहता है। जितने भी स्टूडेंट जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें।